एक पल के लिए बस आप इमेजिन करो कि यूं ही अचानक सो के किसी दिन जगे हो, तब तक पता चलता है इंडिया और चाइना का युद्ध शुरू हो गया है। वो चाइना जिसके नेवी फ्लीट में मोर देन 340 वारशिप्स शामिल हैं, 77 सबमरीन, दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पे चाइना ऑलरेडी काम कर रहा है। ऐसे नेवी फ्लीट को रोकना कोई आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल होने वाला है भारत के लिए। मिसाइल दो प्रकार का हो सकता है। पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो मास लेवल के डिस्ट्रक्शन के काम आता है। जब हमें किसी एक देश के पूरे राजधानी को टारगेट बनाना हो, या किसी पूरे देश को टारगेट बनाना हो, या किसी बहुत बड़े जगह को टारगेट बनाना हो, तब उस केस में हम बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं होता। जैसे अगर मुझे बीजिंग शहर को निशनाबूद करना हो, चाइना का राजधानी, तो हम बीजिंग शहर पे कहीं भी किसी भी एक लोकेशन पे मिसाइल को छोड़ सकते हैं। ये मिसाइल सिर्फ उस लोकेशन को खत्म नहीं करता, क्योंकि ये मास लेवल के डिस्ट्रक्शन के काम आता है। जैसे हमारा अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज और दूसरा क्रूज मिसाइल और गाइडेड मिसाइल। ये मिसाइलें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के नाम से भी जाना जाता है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी क्या होता है ना, कि जब हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे वार करना हो, जैसे गहरे समुद्र में कोई चाइनीज या किसी भी दुश्मन का नेवल शिप या सबमरीन छुपा हुआ हो, तो उस केस में हमें उस स्पेसिफिक पॉइंट, उस स्पेसिफिक नेवल वारशिप पे वार करना होगा। इस केस में हमें चाहिए एंटी शिप मिसाइलें या गाइडेड मिसाइलें या क्रूज मिसाइलें। इनका एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी होता है जो जहां ये जाके हिट करती हैं। हर मिसाइल साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब किसी भी रॉकेट या किसी भी मिसाइल का जब फ्यूल जलता है, तो नीचे एक फोर्स क्रिएट करता है और उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए मिसाइल आगे की तरफ मूव करता है। भारत के पास मेनली 6 प्रकार का एंटी शिप मिसाइल है। अगर आप देखें तो काली बीआर फैमिली की मिसाइलें ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2, NASM-MR, NASM-SR और इन एंटी शिप मिसाइलों को विकसित इसलिए भी किया गया है कि ये हजारों हजार करोड़ के जो ये वारशिप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये इन्हें निशनाबूद कर दे और पानी में डुबा दे। तो क्या इंडिया का एंटी शिप मिसाइल चाइनीज नेवल फ्लीट को वाकई में रोक सकती है? हम हैंड टू हैंड कंपेरिजन करेंगे, हर एक उस टेक्नोलॉजी को देखेंगे जो चाइनीज नेवल वारशिप में मौजूद है, और हर उस काउंटर टेक्नोलॉजी को देखने वाले हैं जो इंडिया के लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल में मौजूद है। तो ये वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेटिव। एक छोटा सा अगर हम कंपेरिजन करते हैं चाइनीज नेवल फ्लीट और इंडियन नेवल फ्लीट को, तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है चाइनीज नेवल फ्लीट और इंडियन नेवल फ्लीट में। जब हम वारशिप्स की बात करते हैं, तो चाइना के पास मोर देन 340 वारशिप मौजूद है, जबकि इंडिया के पास ओनली 150 वारशिप है। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, तो चाइना के पास ऑपरेशनल अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो 3 पे काम ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन वहीं भारत के पास सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अभी सर्विस में है, और दूसरा INS विशाल जो अभी अंडर डेवलपमेंट में है, जिसे कोचिंग लिमिटेड शिपयार्ड कंपनी के द्वारा फिलहाल बनाया जा रहा है। 1943 वर्ल्ड वॉर सेकंड का दौर था, जब पहली बार एक नेवल शिप पानी में डूबता है, और वो भी एंटी शिप मिसाइल के वजह से, जो आता है नाजी जर्मनी के तरफ से, जो एक रेडियो कंट्रोल के द्वारा गाइड किया जा रहा था। और सिर्फ एक शिप नहीं डूबता है उस वक्त, मोर देन 31 शिप्स भी डैमेज होते हैं। इंडो पाकिस्तान वार 1971, ओसा क्लास का एक मिसाइल बोट कराची के लिए रवाना होता है। युद्ध शुरू हो चुका था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। छोटे से ओसा क्लास मिसाइल बोट ने पाकिस्तान के 2/3 नेवल शिप, डिस्ट्रॉयर, ऑयलर फ्लीट, एमुनेशन शिप को बुरी तरह नष्ट कर दिया, और गनीमत ये रहा कि सही सलामत अपने बेस वापस लौट भी आया, क्योंकि इसके एमुनेशन खत्म हो जाते हैं, जो इसमें एंटी शिप मिसाइलें लगी हुई थी वो खत्म हो जाती है। ये एक छोटा सा ओसा क्लास का मिसाइल बोट था। आप इमेजिन करो कि अगर उसके जगह कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर होता तो क्या होता, आज मैं ये वीडियो बना रहा होता शायद कि एक था पाकिस्तान। नेवल वारशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना इतना आसान भी नहीं होता। उसमें रडार लगे होते हैं जो आकाश में हर एक छोटे से छोटे वस्तु या कोई मिसाइल हो या पक्षी, हर एक चीज पे नजर रखे हुए होता है। पानी के भीतर उसमें सोनार लगे होते हैं
जो हर एक वक्त हर एक सेकंड सोनार के माध्यम से एक वेव भेजते हैं पानी में, जिससे पता लगाते हैं कि क्या कोई टॉर्पेडो तो हमारे तरफ नहीं आ रहा है। आगे हम ये देखते हैं कि इंडिया का मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस LRASM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल चाइनीज मोस्ट एडवांस नेवल फ्लीट को कैसे रोक सकने में सक्षम है। 750 किलोमीटर के रेंज में टाइप 055 कहीं भी हो सकता है। सबसे पहले PATI एयरक्राफ्ट, जिसे इंडिया ने अमेरिका से 12 की संख्या में खरीदा है, जिसका यूज सर्विलेंस के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में किया जाता है। PATI फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर या सबमरीन तक ये मैसेज पहुंचाएगा कि यहाँ टाइप 055 छुपा हुआ है। टाइप 055 ही नहीं, दुनिया के किसी भी नेवल शिप में ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं लगा जो अमेरिका के PATI के नजर से बच पाए। इसे सबमरीन हंटर भी बोला जाता है, क्योंकि ये गहरे छुपे पानी में भी सबमरीन को ढूंढ निकालता है। और ऐसे मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट के रडार से बचना चाइनीज नेवल शिप के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। साफ साफ शब्दों में बोला जाए तो 1000 किलोमीटर के दूर में वो कहीं भी रहे, ये PATI उन्हें एक्यूरेट लोकेशन के साथ ढूंढ सकने में पूरी तरह सक्षम है। LRASM को सबमरीन, वारशिप्स या किसी फाइटर जेट के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है, जैसे राफेल MiG-29 के। नेवल शिप्स में इलेक्ट्रॉनिक्स बग स्वीपर लगा होता है, जिसे नेवल शिप्स एंटी शिप मिसाइल के GPS को ट्रैक कर लेता है। एंटी शिप मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है, जिसे गाइड करना पड़ता है दुश्मन के शिप तक। लेकिन LRASM GPS का यूज ही नहीं करता, जिससे इसे कोई ट्रैक ही न कर पाए। नो GPS, नो ट्रैक, नो हैक। LRASM के गाइडेंस सिस्टम को PATI के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे वर्ल्ड मोस्ट एडवांस कंपनी माना जाता है इस फील्ड का। LRASM इंफ्रारेड होमिंग का इस्तेमाल करता है अपने दुश्मन को पहचानने के लिए, जो इसके सबसे आगे लगा हुआ होता है। ये किसी भी नेवल शिप से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं, जो हीट होते हैं, क्योंकि किसी भी नेवल शिप, वारशिप्स या सबमरीन को चलने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है। और जब कोई भी इंजन एक्टिव होता है तो उससे एक हीट, एक गर्मी, एक रेडिएशन रिलीज होता है, जिसको मिसाइल के आगे लगे हुए ये इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम दूर से ही पहचान लेता है, जिससे अपने टारगेट को फिक्स कर पाता है, जिससे अपने टारगेट को लॉक कर पाता है। LRASM में ESM पैसिव इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और रडार वार्मिंग रिसीवर सेंसर लगा हुआ है, जिससे जैसे ही कोई नेवल शिप को मिसाइल के आने की जानकारी मिलेगी, मिसाइल को तुरंत पता चल जाएगा कि हम शिप के रडार में आ गए हैं, जिससे मिसाइल में लगा हुआ डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इसमें खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जो न्यूट्रल टारगेट और एक्चुअल टारगेट में फर्क कर पाता है। इस मिसाइल का IR इंफ्रारेड सिग्नेचर बहुत ही ज्यादा लो है, क्योंकि मिसाइल को चलने के लिए भी इंजन चाहिए, और मिसाइल के इंजन से जो हीट रेडिएट होता है उसे नेवल शिप्स पकड़ सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। इससे जो हमारा मिसाइल है वो आसानी से किसी भी नेवल या वारशिप के रडार में आ सकता है। इससे बचने के लिए इस मिसाइल में लो IR सिग्नेचर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे नेवल शिप्स या वारशिप फर्क ही नहीं कर पाएंगे कि ये कोई मिसाइल है या कोई पक्षी। मेनली नेवल शिप्स दो तरीके से एंटी शिप्स मिसाइल को ट्रैक करता है, रडार के थ्रू और दूसरा सोनार के थ्रू। सोनार पानी में अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, जिससे शिप को पता चलता है कि कोई टॉर्पीडो तो हमारे तरफ नहीं आ रही। LRASM सी स्किमिंग मिसाइल के कैटेगरी में आता है, मतलब समुद्र से महज 50 मीटर के अंदर ही उड़ सकता है, और जिसके वजह से इसे ट्रैक करना और शूट करना किसी भी नेवल शिप के लिए बहुत ही मुश्किल है। किसी केस में मिसाइल डिटेक्ट भी हो जाता है तो LRASM का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न ही हवा में अपनी दिशा को बदल सकता है, बल्कि सामने वाले थ्रेट को चकमा भी दे सकता है। जब हम नेवल शिप और एयरक्राफ्ट के प्राइस को देखते हैं तो ये 15,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन इन वारशिप्स का काल मोस्ट एडवांस एंटी शिप मिसाइल, जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है, ब्रह्मोस और LRASM, जिसके एक मिसाइल का कीमत ओनली 35 करोड़ टू 50 करोड़ ही है। अब आप डिसाइड करो, इंडिया को LRASM जैसे आधुनिक मिसाइल चाहिए या फिर चाइना की तरह ढेरों संख्या में वारशिप्स। हालांकि चाइना को नेवल फ्लीट का कहीं ज्यादा जरूरत है भारत से, क्योंकि जब हम जियोपॉलिटिक्स में जाते हैं, जब हम इंडो पैसिफिक रीजन में जाते हैं, तो ये देखते हैं चाइना का जितना व्यापार है
वो समुद्र के रास्ते ही होता है और ये जियोपॉलिटिक्स की टॉपिक है। तो हम अपने वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आशा है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कुछ भी सजेस्ट करना हो तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला ही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।